नमस्कार, मैं हूँ शेफ सुनील सिंह और आपके बीच लेके आया हूँ मसालेदार छाछ यानी कि बटर मिल्क। सो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एकदम मसालेदार छाछ। सो एक जार लेंगे, उसमें डालेंगे फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना और साथ ही साथ फ्रेश ग्रीन चिल्ली डाल के हमने थोड़ा सा चॉप किया हुआ जिंजर भी डाल दिया और थोड़ा मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर, थोड़ा नमक और थोड़ा काला सॉल्ट, और इसको एक चम्मच दही डालने के बाद ग्रेंड कर लेंगे यानी कि पीस लेंगे। एकदम फाइन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रहना चाहिए इस तरह से। तो मिक्सचर हो गया तैयार, इसको एक बॉल में डालेंगे और साथ ही साथ डाल देंगे एक गिलास ऑफ ठंडा पानी। सो बटर मिल्क बना रहे हैं गाइस, तो बटर मिल्क पतला ही होता है। सो बटर मिल्क का जो कंसिस्टेंसी है एकदम पानी की तरह ही होता है। सो आप चाहिए अपने हिसाब से इसमें गाढ़ा या पतला कर रख सकते हैं गाइस। तो इसी अब इसको विस्क कर लेंगे अच्छे से। सो विस्क करने से होगा क्या, ये सारा मिक्सचर जो है वो दही में मिल जाएगा और बटर मसाला बटर मिल्क बन जाएगा हमारे एकदम मसालेदार। सो फाइनली इसको टर्न कर लेते हैं ग्लास में और प्रेजेंटेशन करेंगे इसमें फ्रेश मिंट, ऑफ कोर्स जीरा पाउडर ऊपर से। तो इस तरह से तो ये बन गया हमारा मसालेदार छाछ। सो गर्मियों के दिन आ रहे हैं, सो छाछ का इंजॉय ज़रूर करें। सो दूसरा स्टाइल है जो साउथ इंडियन में काफ़ी फेमस है। सो साउथ इंडियन स्टाइल छाछ बना के दिखाते हैं। एक बॉल में दही डाला, साथ ही साथ डाला उसमें थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा काला नमक, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। उसको इस तरह से फेंट लें और उसमें भी डालेंगे एक गिलास ठंडा पानी। सो ठंडा पानी डालने के बाद गाइस को फिर से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया या पुदीना भी डाल सकते हैं। सो दूसरी तरफ एक तड़का बनाएंगे। सो साउथ इंडियन स्टाइल है यू नो, तो साउथ इंडियन में मोस्टली तड़का इसमें जाता है। सो थोड़ा एक पैन में डाला ऑयल, थोड़ा गर्म हुआ उसमें डाल दिया हमने थोड़ा राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड, हल्का क्रैकल हो गया उसमें डाला हमने करी पत्ता। सो करी पत्ते भी थोड़ा तड़कने लग गए हैं, साथ ही साथ डाल देंगे हम इसमें हींग। सो हींग से एक अच्छा फ्लेवर आता है गाइस। सो फ्लेवर तो तीनों से ही आता है, तो इसको डायरेक्ट डाल दें बटर मिल्क के ऊपर, इसको मिक्स कर लें। तो दोस्तों, दो टाइप के बटर मिल्क आपको बताया, आई होप आप लोगों को पसंद आए हो। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि दोनों में से कौन सा वाला बटर मिल्क आपको अच्छा लगा, मसालेदार या साउथ इंडियन स्टाइल। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सेफ सुनील सिंह। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।